بسم الله الرحمن الرحيم। السلام عليكم ورحمة الله। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अलबिरूनी के बारे में। इनका पूरा नाम अबू रेहान अलबिरूनी है और ये साल 973 कात उज्बेकिस्तान में पैदा हुए। अलबिरूनी अपने शुरुआती ज़िंदगी के 25 साल इस्लामिक और थियोलॉजी, ग्रामर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन के तालीम हासिल करने में लगा दिए। और अलबिरूनी एक ईरानियन स्कॉलर यानी ओलमा भी थे और आज भी दुनिया भर में सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार होता है, क्योंकि इन्होंने ही अर्थ का रेडियस बताया और इन्होंने ही कहा कि ये अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है। सोचिए, जब उस वक्त कुछ टेक्नोलॉजी ना था, इन्होंने ये सब इल्म दिया पूरे दुनिया को, इसीलिए इनको सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट कहा जाता है ऑल द टाइम। और इनको फादर ऑफ कंपरेटिव रिलीजन भी कहा जाता है। इन्होंने स्टडी किया इस्लाम को, जोरोएस्ट्रियाज्म को, जुडेज़्म को, हिंदुइज्म को, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म एंड अदर रिलीजन्स, और दूसरे धर्म को भी पढ़ा। सबसे ज़्यादा इन्होंने इस्लाम मजहब में महारत हासिल की, यानी सबसे ज़्यादा और अच्छे से इस्लाम दीन को पढ़ा। और अलबिरूनी इंडिया भी आ चुके हैं। साल 2017 में इन्होंने इंडिया का सफ़र किया इंडियन कल्चर को जानने के लिए और इंडियन के हिस्ट्री, तारीख़ अल हिंद को जानने के लिए। अब बात करते हैं इब्ने सीना के बारे में। इनका पूरा नाम है अबू अली हुसैन इब्ने सीना और इनकी पैदाइश अफसाना उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया साल 980 में हुई। और ये प्री मॉडर्न एरा के सबसे बेहतरीन इन्फ्लुएंसल फिलोसफर थे और ये एक बेहतरीन फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट, राइटर भी थे। इब्ने सीना ने सबसे पहली तालीम अपने घर से ही हासिल की। ये 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान हो गए, यानी पूरे कुरान को याद कर लिया था। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे अल सिफा, द बुक ऑफ हीलिंग, अल कानून फिल अल तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन और अल इशारात वल तनबीहात, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। इन्होंने अल सिफा में, द बुक ऑफ हीलिंग में बीमारी के इलाज के बारे में लिखा और अल कानून फिल अल तिब में, द बुक ऑफ मेडिसिन में इन्होंने बहुत सारे दवा के नाम लिखे जो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए। और फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, ये किताब को इन्होंने आखिरी बार लिखा था। इब्ने सीना भी यूरोप में एवेसीना के नाम से जाने जाते हैं। अब आते हैं जाबिर इब्ने हय्यान। ये 8वें सेंचुरी के एक फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम है अबू मूसा जाबिर इब्ने हय्यान और इनकी पैदाइश साल 721 ईरान के खुरासान शहर में हुई। ये अल्केमिस्ट थे और एक ऑथर भी थे। इन्होंने बहुत किताबें लिखी, जैसे किताब अल्कीमिया। जाबिर इब्ने हय्यान ने इस किताब को अरबिक में लिखा था और फिर रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने 1144 में इसे लैटिन में ट्रांसलेट किया, द बुक ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अल्केमी। जब रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने इसे लैटिन में ट्रांसलेट किया तो ये किताब यूरोप में बहुत फेमस हुई। और जाबिर इब्ने हय्यान जाने जाते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री के लिए। इनको यूरोप में लोग गेबर के ही नाम से जानते हैं। गेबर ऐसा लगता है कि ये कोई अंग्रेज साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन आप तहकीक करेंगे फिर मालूम होगा आपको कि ये मुस्लिम साइंटिस्ट है। जाबिर इब्ने हय्यान को माना जाता है कि ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में ही अल्केमी बना दिया। अल्केमी कहते हैं एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में बदल देने के अमल को। अब आते हैं अलखिंदी। अलखिंदी का पूरा नाम अबू यूसुफ याकूब इब्ने इशाक अस्सब्बाह अलखिंदी है। अलखिंदी एक अरब मुस्लिम फिलोसफर, पॉलीमैथ, मैथमेटिशियन, फिजिशियन, म्यूजिशियन थे और इनको जाना जाता है फादर ऑफ अरब फिलोसफी से। और अलखिंदी का
जन्म इराक के एक खुफा शहर साल 800 सीई में हुआ था। इनके वालिद खुफा के गवर्नर थे और अलखिली ने शुरुआत की पढ़ाई खुफा शहर में ही की और इनकी पूरी पढ़ाई बगदाद शहर में हुई थी। अल हिंदी अपने वक्त के ये सबसे बेहतरीन इस्लामिक फिलोसफर थे। अल हिंदी ने ही इंडियन नंबर सिस्टम को लिखा था और साथ ही साथ ज्योमेट्री और ऑप्टिक्स को भी, और इनकी लिखी हुई किताबें बहुत आला दर्जे की थी और आज भी इनकी किताब की अहमियत है। और साल 1962 में 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक इराक में अलखिंदी की 1000 साल की एनिवर्सरी मनाई गई थी। आपने सुना इब्ने सीना के बारे में, जिन्होंने 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान हो गए। फिर आपने सुना अलबिरूनी के बारे में, जिन्होंने सिर्फ इस्लाम धर्म का ही इल्म हासिल नहीं किया, इन्होंने दूसरे मजाहब का भी इल्म हासिल किया। पहले प्रायोरिटी दी आखिरत को, दीन को, इसीलिए अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी कामयाबी दिया और इंशाल्लाह इनको आखिरत में भी कामयाबी देगा। इसीलिए हमको चाहिए कि हम सब प्रायोरिटी दें, सबसे पहले दीन की हम सब तैयारी करें, फिर अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाबी देगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाबी देगा। होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी।